मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस एक नाबालिग समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की 14 बाइकों को बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश NCR में होटलों में अय्याशी करने के लिए वाहन चोरी करते थे और चोरी की बाइकें बेच कर अपने महंगे शौक पूरा करते थे। पहले गए बदमाशों में से एक ITI की पढ़ाई कर चुका है और पिछले काफी समय से NCR में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पिछले काफी समय से मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस को बाइक चोरों की सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने देर रात नारायणपुर तेजू गांव के पास एक खंडर में छापा मारकर चोरी कर लाई गई 14 बाइकों को बरामद कर लिया। पुलिस के मौके से एक नाबालिग युवक समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में संदीप कुमार, नरेंद्र, महेश और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश भीड़ भरे बाजार से लोगों की बाइकें चुराते थे और इन बाइकों को देखकर क्षेत्रों में जाकर बेच देते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP देहात उदयशंकर के मुताबिक संदीप कुमार इंटर पास करने के बाद ITI का कोर्स कर चुका है और काफी समय से नोएडा में रहकर नौकरी करने के बाद वाहन चोरी घटनाओं को अंजाम देने लगा। संदीप ने सबसे पहले नोएडा में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद वह मुरादाबाद जनपद में आकर वाहन चोरी करने लगा। SP देहात का कहना है कि बाइक चोर गिरोह के सदस्य अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करते थे और इन वाहनों को बेचकर जो पैसा मिलता था उससे वह नोएडा दिल्ली के महंगे होटलों में जाकर अय्याशी करने और मॉल में जाकर शॉपिंग करने में पैसा उड़ाते थे। पुलिस बदमाशों के और साथियों को तलाश कर रही है। अभी एक गिरोह के सदस्य द्वारा 50 से ज्यादा बाइकें चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी पुलिस को मिली है। यार मैंने कहा था वीडियो बना देना, उन्होंने अब तक नहीं बनाई। पहले से ऑलरेडी है हमारे पास। तू अपने पे मंगा ले, मेरे को देख तो ले भाई, तूने भेजी वो पहुंची नहीं पहुंची। अरे भैया, पुलिस द्वारा वाहन चोरी से संबंधित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से विभिन्न जनपदों से चुराई गई 13 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है डिलारी पुलिस के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस गैंग का जो सरगना है, संदीप नाम का अपराधी, उसने इंटरमीडिएट किया, फिर ITI की डिग्री हासिल की, उसके बाद नोएडा गया। नोएडा में अपना वहाँ पर बिजनेस छोटा सा करने लगा, पट्टी लगाने का कार्य करने लगा और इसी दौरान उसने नोएडा से पहली वाहन चोरी की घटना की शुरुआत की और उसके बाद से लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम विभिन्न जनपदों में देता आ रहा है। जनपद मुरादाबाद के देहात क्षेत्र के कई थानों के अंतर्गत इसके गिरोह के लोगों ने वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस प्रकार से डिलारी थाना पुलिस के द्वारा एक अच्छी ये उपलब्धि मानी जाएगी। इनके द्वारा इस प्रकार के जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, ऐसे अभियुक्त जो लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। किस तरह से ये गाड़ी उठा करते थे और कितने की सेल करते थे? प्रायः ये जहाँ पर बाजार एरिया होती थी, भीड़ भाड़ का एरिया होता था, वहाँ के स्थानों को निशाना बनाते थे। इनका घटना करने का समय प्रायः 3 बजे से सायं 6 बजे के बीच में ज़्यादातर घटनाएं इनके द्वारा की गई। गाड़ी उठाने के बाद जो ऑटो लिफ्टर होता था वो गाड़ी को दूसरे अपने सहयोगी को कुछ दूर ले जाकर दे देता था, जिससे वाहन चेकिंग में उसकी पहचान ना हो पाए रास्ते में कहीं पर। इस प्रकार से ये वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ये गाड़ी के पेपर भी बना के बेचता था क्या? नहीं, गाड़ी के पेपर ये नहीं बनाते थे। देहात क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे लोगों को ये पेपर देने के बहाने गाड़ी को सेल करते थे। प्रोफाइल इसमें जो संदीप है, उसने इंटरमीडिएट के बाद वर्ष 2018 में ITI की डिग्री जनपद मुरादाबाद से ही हासिल की है। इसके अतिरिक्त उसका साथी नरेंद्र नाम का जो अभियुक्त है, उसने इंटरमीडिएट
मीडिया कर रखा है और वो अभी कुछ करता नहीं है, और इसका संदीप का रिश्तेदार है महेश, यह भी मजदूरी का कार्य करता है। यह पहले इसको मोटरसाइकिल बेची गई, जब इसको लगा कि आसानी से ये मोटरसाइकिल मिल जा रही है तो ये इसके गिरोह में सम्मिलित होकर अपराध करने लगा। मुख्य उद्देश्य होता था वाहन को चुरा कर और पैसे कमाना, पैसे अपना इधर उधर, इनकी जो आदतें थी विभिन्न रेस्टोरेंट में जाना, नोएडा दिल्ली जाकर वहाँ घूमना, मॉल में जाना, इस प्रकार ये पैसे खर्च किया करते थे। Oh my God.